आप देख रहे हैं आज की आवाज इंडिया सिवनी मालवा होशंगाबाद नर्मदापुरम प्रकृति रंग उत्सव दिनांक 6 मार्च 2018 को प्रातः 8 बजे माँ नर्मदा के तट क्षेत्र के 68 ग्राम होशंगाबाद शहर में। आप सबके सहयोग से ही माँ नर्मदा की पवित्रता एवं सदा नीरा बनाए रखने के अभियान नर्मदा पवित्र सर्वदा के अंतर्गत 4 जून को 8 टन बीजों का लगभग 2 करोड़ बीजों रोपण किया गया। रोपे गए बीज पौध की सुरक्षा हेतु 6 अगस्त 2017 को प्रकृति रक्षा बंधन उत्सव का आयोजन आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया गया था। सर, गांव की प्रस्फुटन समिति युवाओं से संपर्क किया, सभी को एक दिन पहले हम लोगों ने सूचना कर दी। साथ में जो संसाधन लगते हैं जैसे बाल्टी डिब्बे ये लेकर के सभी युवाओं को साथ में लेकर के आए, यहाँ पर सफाई की और पेड़ पौधों में पानी डाला। अभी तक कितने पौधे जीवित हैं? लगभग 35% पौधे अभी जीवित हैं, जिसमें बांस के, नींबू के बहुत बढ़िया तरीके से जीवित हैं। किस तरह की समिति का गठन किया जाएगा? जैसे नर्मदा क्षेत्र में नर्मदा सेवा समिति है, नर्मदा परिवार के लोग हैं, प्रस्फुटन समिति है, जो धार्मिक समितियाँ हैं जैसे रामायण मंडल है, गणेश मंडल है, दुर्गा मंडल है, इन लोगों से आपस में मिलकर के और ये काम चल रहा है। SDM साहब आए थे तो किस तरह का सहयोग उनके द्वारा किया जा रहा है? SDM साहब के आने से एक तरह से जो जोश जुनून आता है और एक प्रोत्साहन मिला हम लोगों को। सर ने अपना काफ़ी समय दिया और जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ रह कर के काम किया उससे प्रेरणा भी मिली सब लोगों को और सब लोग एकत्र हो गए।